मैं इसके पहले आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं। आप लोगों को जैसा कि पता है कि आप लोगों के मैटलैब जो है, मैटलैब आपको पता है कि मैटलैब इज़ अ मतलब कॉस्टली थिंग। हमारा मैटलैब जो है वो फ्रीवेयर नहीं है। आप लोगों में से हर किसी के पास मैटलैब होगा भी नहीं, बट उसके लिए भी मैंने एक सोल्यूशन देख ढूंढा है। मैटलैब जो है, आप लोगों में से शायद काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि मैटलैब जो है आपका, वो आपको ऑनलाइन आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको जैसे अपने स्क्रीन में बताती हूँ, है ना, मैटलैब का ये आप जो मेरी स्क्रीन शायद देख पा रहे होंगे, है ना, ये रहा मैटलैब का, ये हमारा ऑनलाइन वर्जन है। ये मैंने देखा है matlab.mathworks.com में, अगर आप जाएंगे, आप उसमें लॉग इन करेंगे तो उसमें वो आपको ऑप्शन देगा कि यू वांट टू गो ऑनलाइन और यू वांट टू डाउनलोड द मैटलैब। तो आप चाहें तो, अगर आपके सिस्टम में जैसे ज़्यादा स्पेस नहीं है, या आप नहीं चाहते हैं कि हम उसको डाउनलोड करें और ज़बरदस्ती का स्पेस कुछ इसमें एक्स्ट्रा खर्च करें, तो हम उसको ऑनलाइन भी वर्क कर सकते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ और रहेगी आपके इसमें कि आप इसमें ऑनलाइन बिल्कुल वैसे ही वर्क कर सकेंगे जैसे आप नॉर्मली इवेंट मैटलैब में वर्क करते हैं। और अभी इसमें क्या है कि 1 मंथ का ट्रायल वर्जन है। और उसके अलावा जो इसमें मतलब वर्जन्स हैं, मैं ट्राई कर रही हूँ कि हम इस बार उसको बाय कर लें। मैंने बात की है आपके एचओडी से। बाकी अभी अपन एटलीस्ट 1 मंथ का ट्रायल वर्जन से हम डीएसपी के जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं उसको तो ईजिली सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इस पे मैंने क्या है, अभी कुछ आपके जो कोड है स्पेशली फॉर सेकेंड एक्सपेरिमेंट, वो मैंने इसमें रन करके आपको मैं दिखाऊंगी आज। तो सबसे पहला हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम किस तरीके से जो है अपने यूनिट इम्पल्स फंक्शन को या यूनिट स्टेप फंक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी इसमें फिलहाल मैं, जो बच्चे अगर कल लास्ट क्लास में नहीं आए थे, तो उनको एक सिंपल रिवीजन दे देती हूँ। जैसे कि यहाँ हमने जो, मैंने आपको बताया था कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं रन करने के लिए, हम बता सकते हैं कि हमारा जो एन है, हम उसको सिंपली जो है एरे की तरह भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको एक और ऑप्शन बताया था, दैट वाज डेल्टा एन इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एन इज इक्वल्स टू जीरो है तभी डेल्टा एन की वैल्यू 1 रहेगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो जब हम उसको प्लॉट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा वो इम्पल्स फंक्शन जो है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, वो प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता चुकी थी, अब जो है हम आज करेंगे एडिशन ऑफ स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे हम। ठीक है, तो एडिशन ऑफ स्क्रिप्ट की जो आपके स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे दी हुई है ऊपर, है ना, और हमने ऑलरेडी जो है, मैंने आप लोगों से आपका लैब मैनुअल शेयर कर चुका है, लैब मैनुअल की ही ये स्क्रिप्ट है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़, इसके अलावा एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, मैंने ना सेम कोड जो है आप लोगों के लिए, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो पढ़ाया था कि हम काफ़ी सारे सिग्नल्स को प्लॉट कर सकते हैं, सेम मैंने पाइथन की भी जो है इसकी कोडिंग जो है वो ढूंढी हुई है ना। तो इसमें मेरे पास इसकी पाइथन की कोड भी है। तो अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा हो कि मैम मेरे को पाइथन में ही करना है क्योंकि मैं पाइथन पढ़ रहा हूँ, तो मेरा पाइथन अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, तो यू आई विल शेयर दिस कोड विथ यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने आप लोग को जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का कोड मैं आपको पाइथन में दे दे रही हूँ, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए भी कोड जो है वो पाइथन में बना सकते हो। ठीक है, और अगर कोई बनाता है तो प्लीज मुझसे शेयर करना, मुझे बताना कि आपने वो बनाया है। ओके, ठीक है, तो पाइथन में भी हम सेम काम कर सकते हैं। ओके, अब जो है हमारी एडिशन की स्क्रिप्ट है, तो हमारे बिल्कुल मिनिमम फॉर्मूले इसमें यूज हुए हैं। आपको मेरे ख्याल से कोई भी इसमें फॉर्मूला समझाने की जरूरत नहीं है। प्लॉट क्यों यूज होता है, स्टेम क्यों यूज होता है, ये सब आपको पता है। एक्स लेबल हम क्यों यूज करते हैं, एक्स एक्सिस की लेबलिंग के लिए। वाई लेबल हम यूज करते हैं वाई एक्सिस की लेबलिंग के लिए। हाँ, लास्ट टाइम मैंने आपको एक टाइटल नहीं बताया था, तो मैं आपको अब टाइटल भी बता दे रही हूँ। हाँ, टाइटल इज नथिंग बट हमारा कोई भी, अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो उस प्लॉट का टाइटल देने के लिए हम टाइटल जो है कमांड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपको 2 सिग्नल यहाँ पे दिए हुए हैं, एक है साइन 0.3 πn और एक है साइन 0.7 πn। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सिग्नल जो है डिफाइन किया गया है, तो एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू साइन 0.3 πn प्लस साइन 7 πn। तो आपको यहाँ पे क्या है, एडिशन जो है वो किया जा रहा है। इसको जब मैं रन करूंगी, है ना, वैसे तो रन करने के बाद इसका जो सोल्यूशन है, मतलब जो इसका ग्राफ प्लॉट होगा, वो आपका राइट हैंड साइड में आपको दिख ही रहा है। स्टिल मैं आपको एक नए ग्राफ में प्लॉट करके दिखाती हूँ इसको। देखिए, यहाँ पे आपका जो है इस तरीके से प्लॉट हो गया है। अब मैं इस प्लॉट को अगर आपको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके दिखाती हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों सिग्नल को ऐड करने के बाद जो हमारा सिग्नल आ रहा है वो
ये हमारा सिग्नल होगा, ठीक है। नीचे जो है आपको वो एनालॉग सिग्नल्स के रूप में दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको प्लॉट भी किया है और स्टेम भी किया है, तो आपको डिस्क्रीट सिग्नल भी दिख रहा है और आपको यहाँ पे जो है उसका एनालॉग सिग्नल भी दिख रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप मैटलैब जो है उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ये बहुत ही मतलब एक अच्छी चीज़ है। अगर आपको नहीं पता थी तो आप अगर मैटलैब में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो पूरा 1 मंथ का ट्रायल पैक लेकर आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आई ट्राई कि मैं उसको जो है बाय कर लूँ अपने कॉलेज की तरफ से, है ना। अब सिमिलरली जैसे ये हमने एडिशन किया तो वैसे ही हमारा मल्टीप्लीकेशन की भी स्क्रिप्ट है। ये रहा, है ना, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमारा सेम स्क्रिप्ट है। हमने बस यहाँ पे क्या है, जैसे हमने अभी एक्स ऑफ एन लिया था उसमें हमने दो साइन फंक्शन को लेकर जो है दो दो साइन सिग्नल्स को, साइनसॉइडल सिग्नल्स को लेकर हमने एडिशन किया था। यहाँ पे इसने दो साइनसॉइडल सिग्नल्स को लेकर जो है वो मल्टीप्लीकेशन किया है, ठीक है। बाकी प्लॉटिंग वगैरह का सब सारी चीज़ें जो है वो सेम है ना। तो हमारा सिमिलरली जो हमारा वो होगा प्लॉट होगा, बस प्लॉट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। आप लोग चाहो तो इसको चेंज करके भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, अगर मैंने बोला कि मेरा जो एक सिग्नल जो है वो तो मेरा साइनसॉइडल सिग्नल है, लेकिन जो दूसरा सिग्नल है मैं उसको आपका जो है कांस्टेंट ले लेती हूँ, है ना। मतलब एक हमारा एक सिग्नल जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल वाई एन इज इक्वल टू टू, है ना। तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी हो सकती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या होता है, किसी भी फंक्शन को हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। और या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है ना, जिसकी वैल्यू सेम होती है थ्रू आउट द टाइम, तो उस समय भी जो है वो भी तो हमारा एक सिग्नल है जिसको हम पीरियोडिक सिग्नल भी बोलते हैं। तो अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पे जो हूँ है, मैं सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो एक सेकेंड रुक जाना, एक सेकेंड, इसको मैं सिंपली 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पे के या कुछ तो भी देना होगा। एंड तो अब मैं इसको देखती हूँ कि आपका जो सिग्नल है, जो प्लॉट है बाजू में मल्टीप्लिकेशन का, वो आपका चेंज होगा। कुछ तो भी प्रॉब्लम आया, डॉट इंडेक्सिंग इज नॉट सपोर्टेड फॉर वेरिएबल्स ऑफ दिस टाइप। ओके एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे डॉट ना आके आपका जो है, एक सेकेंड गलती हो गई मुझसे, वहाँ पे डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा एस्ट्रिक का ही साइन आएगा। डॉट इंडेक्सिंग जो है वो सिर्फ दो सिग्नल्स के बीच में आएगा, ठीक है। ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सिंपली क्या हुआ, हमारा जो प्लॉट है वो चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ, मैं ये चेंज इसलिए बताना चाह रही हूँ आपको कि पहले क्या था, हमने दो साइनसॉइडल सिग्नल्स को जो है आपस में मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो उसको शायद आप कैलकुलेट करने में समझ पाते कि कैलकुलेशन में मे बी आपको उतना कैलकुलेट करना पड़ता है एक एक वर्ड को, कि हाँ साइन साइन जो है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू में ऊपर वाला साइन सिग्नल ये है, दूसरा वाला साइन सिग्नल ये है, तो मल्टीप्लाई करने में। बट यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि जो हमारा साइन सिग्नल होगा उसमें हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो कम ज़्यादा ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि अभी आप लोग जो है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन तो खैर काफ़ी ईजी आपके जो है वो एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेशंस ऑन सिग्नल के, लेकिन आप बाकी सिग्नल ऑपरेशंस भी जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, और आपका जो पूरा कोड है आपको ऑलरेडी आपके लैब मैनुअल में जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। अब ये जो है आपका, ये है आपका एम्पलीट्यूड स्केलिंग, ठीक है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग का अभी एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया ही है। यहाँ पे जो है फिलहाल आपका एम्पलीट्यूड स्केलिंग आपको ये बता रहा है कि इसमें हमने जो है सिंपली सिग्नल्स ले लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल X1 मैंने ले लिया, सीक्वेंस लिया है हमने, तो X1 मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। और उस पे मुझे अब एम्पलीट्यूड स्केलिंग करनी है। तो अब इसने एम्पलीट्यूड स्केलिंग के लिए सबसे पहले तो इसने X1 को ही प्लॉट कर लिया, ठीक है, कि वो 1 2 3 4 5 हमारा जो है वो X1 जो है हमारा प्लॉट हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे पहले X1 को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक
ठीक है, तो ये हमारा जो है X1 आपको दिख रहा है, ये हमारा X1 सिंपली हमारा प्लॉट हो गया, जिसमें जीरो के सम जीरो में जब वेन टाइम जो है हमारा जो एन है वो जीरो है तो उसकी वैल्यू वन है, देन टू के समय में टू, वन के समय में टू है, एंड सो ऑन। तो हमारा इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे सिग्नल को प्लॉट कर लिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसको हमें एम्पलीट्यूड स्केलिंग करनी है। तो इसमें इसने क्या किया कि X2 इज इक्वल्स टू के X1, ठीक है, और K की वैल्यू इसने क्या ली है ऊपर, यहाँ पे K की वैल्यू इसने 2 ली है। तो मतलब अब क्या होगा, ये जो 1 2 3 4 5 है उसकी जगह वो क्या दिखना चाहिए हमारा, 1 2 3 4 5 सिंपली हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो दैट विल बी 2 4 6 8 5। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, हमने के को मतलब बदल दिया, हमने उसको हाफ कर दिया, तो हमारा वहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, पॉइंट वन की जगह पे 0.5 हो जाना चाहिए, और 2 की जगह पे 1 हो जाना चाहिए, 3 की जगह पे हमारा जो है वो 1.5 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या होती है, कैसे होती है, ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप लोग को एम्पलीट्यूड स्केलिंग यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ मतलब वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है, आपको कोड किस तरीके से रन करना है, वो भी कोड ये सारे जो है वो काफी कोई ऐसी डिफिकल्ट कोड नहीं है, तो ये आपको इजिली हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा आई थिंक कि किस तरीके से हम मैटलैब में इन कोड्स को रन करेंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, इसमें एक कोड मिसिंग है शायद, हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है ना, यहाँ पे एक कोड मिसिंग है, जैसे इसमें हमने सिर्फ के को 2 लेकर काम किया है, तो इसमें हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो बड़ा होने का सिर्फ दिखाया हुआ है, जब हम एम्पलीट्यूड मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे किसी चीज़ से तो उसका कोड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, शायद आपके इसमें होगा, हाँ देखिए ये वाला एक कोड है ना, इसमें क्या था आपका, पहले आपको हमने एम्पलीट्यूड को स्केल करके मतलब हमने बड़ा करके बताया, हमने एम्पलीट्यूड को किसी इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, लेकिन अगर हम एम्पलीट्यूड को किसी इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड करते हैं तब क्या होगा उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो दिख रहा है आपको एम्पलीफाइड सिग्नल एंड एटेन्यूएटेड सिग्नल है ना। आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली देखिए अभी क्या है, तीनों सिग्नल्स दिखने में तो सेम है ना, तीनों की लेंथ वगैरह जो है वो सेम दिख रही है, बट आप यहाँ पे इसकी लेबलिंग पे ध्यान दीजिए, पहला सिग्नल जो है वो 0 से 5 तक की लेबलिंग में है, दूसरा सिग्नल जो है अगर आप एम्पलीट्यूड साइड में देखेंगे तो 0 से 10 तक के लिए है ना, तो आप वहां पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसे दिखने में तो सेम ही दिख रहा है, 4 अगर हम देखें तो 4 में जो जो लाइन की लेंथ है वो दिखने में सेम ही दिख रही है ना, लेकिन आप अगर यहाँ पे ध्यान देंगे एम्पलीट्यूड में, जो हमारा एम्पलीट्यूड में स्केलिंग हुई है यहाँ पे 0 से 5 की जगह 0 से 10 हो गया, देन 0 से 2 हुआ है ना, इस वजह से आपको जो है दिखने में तो सिग्नल सेम दिख रहा है लेकिन हमारी स्केलिंग यहाँ पे हुई है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसे दिखने में हमको सेम ही दिखेगा, हमको लगेगा कि मैम उसमें तो कुछ ऐसा चेंज हुआ नहीं एम्पलीट्यूड स्केलिंग में, तो एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए था या कम होना चाहिए था, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ा कम तो दिख नहीं रहा है, तो यस डिस्प्ले में है ये, क्योंकि मैटलैब में इसमें इसने क्या किया है कि यहाँ पे हमारी एम्पलीट्यूड जो है पहले 0 से 5 को यहाँ पे शो किया था उसने, फिर 0 से 10 को शो किया, यानी उसने एम्पलीट्यूड को हाफ मतलब डबल कर दिया है ना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्केलिंग की है ना, तो स्केल बढ़ा दिया है उसका, जैसे आपकी इमेज होती है ना, कई बार हम सेम स्क्रीन में हमको इमेज देखनी होती है तो कई बार ये भी होता है कि हम उसके मतलब पिक्सल्स शो करते हैं कि कहीं पे वो 10 पिक्सल में एक पॉइंट को दिखा रहा होता है, कहीं पे वो 20 पिक्सल में एक पॉइंट को दिखा रहा होता है, तो सिमिलरली यहाँ पे जो स्केलिंग हुई है यहाँ पे आप देखिए एम्पलीट्यूड में यहाँ पे स्केलिंग किया है, इसलिए आपको यहाँ पे जो है इसकी लेंथ जो है वो सेम दिख रही है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो रहेगा वो है हमारा ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स में नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हमारा टाइम शिफ्टिंग और उसकी बात हो रही है ना, तो शिफ्टिंग ऑफ अ नॉन फंक्शन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आपका जो फंक्शन मतलब जो सिग्नल है आपको उसमें शिफ्टिंग करनी है, तो आपको पता है कि अगर हम सिग्नल में जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपके इक्वेशन मतलब आपका जो
शो है उसमें n-2 की बात हो रही है, तो n-2 मतलब हमारा जो सिग्नल है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, हमारा सिग्नल जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा, है ना। तो ये भी मैंने प्लॉट कर रखा था वैसे। ये देखिए, ठीक है, अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप बोलोगे कि मैम सिग्नल तो सेम ही दिख रहा है ना, लेकिन आप नीचे जब ध्यान देंगे, एन जो हमारा एक्सेस है, एक्स एक्सेस जो है उसमें एन 02468 की जगह पे अब वो शिफ्ट हो चुका है 24610। तो इन लोगों ने मतलब इसमें मैटलैब में क्या है कि उन्होंने आपका सिग्नल शिफ्ट करने का तरीका उन्होंने जो किया है वो उन्होंने एक्सेस को ही शिफ्ट करके दिखाया है ना, एक्सेस को ही कंप्रेस और एक्सपैंड करके दिखाया है, बजाय कि हमारा सिग्नल शिफ्ट करके दिखाने के लिए, है ना। जब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्लास में, तब तो मैं आपको सिग्नल शिफ्ट करके बताती हूँ, क्योंकि हमारे पास एक ज़्यादा ब्रॉड हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, तो हम उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। बट यहाँ पे जब प्लॉटिंग है, सेम ही है बात, आपको बस समझना है थोड़ा सा, जो विजुअलाइजेशन है वो आपको देखना होगा कि आपका जो पहले जो था हमारा 02468 था, मतलब हमारी जो एक्सेस है वो 0 से स्टार्ट हुई थी, तो हमारा सिग्नल सेम था। अब इन्होंने सिग्नल को शिफ्ट करने की जगह इन्होंने एक्सेस को शिफ्ट करके आपको दिखा दिया है ना। तो सेम बात होगी अगर हम यहाँ पे इसको प्लॉट करते हैं 2 से, है ना, तो ये हमारा सेम आएगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया कि हम किस तरीके से ऑपरेशंस ऑन सिग्नल कर सकते हैं मैटलैब में। किसी को प्रॉब्लम होगी मैटलैब में, या किसी को ये जानना हो कि मैम आपने ऑनलाइन कैसे किया मैटलैब में, तो मैं बता सकती हूँ। आप ये देख सकते हो X3 जो हमारा सिग्नल है, हमने इसको अभी जो एम्पलीट्यूड स्केलिंग की थी तो हमने डिवाइड किया था, है ना। यहाँ पे आप देखो इसमें हमने डिवाइड किया था X1/K, तो 1 की जगह पे 0.5 हो चुका है, 2 की जगह पे 1, 3 की जगह पे 1.5 और 4 की जगह पे 2, है ना, 5 की जगह पे 2.5 हो चुका है वो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही इजी है मैटलैब में। अभी आपके जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो आपका मतलब आपका जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, दैट आर नॉट टफ, है ना।